उत्तर भारत में विकासखंड धर्मशाला पहला ऐसा ब्लॉक बन गया है जिसने मनरेगा स्कीम के अंतर्गत 2018-19 तक के सभी कार्य पूर्ण कर लिए हैं। यही नहीं, धर्मशाला ब्लॉक समिति इससे पहले बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है, जिसके तहत ब्लॉक समिति को 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है। मनरेगा में धर्मशाला ब्लॉक ने 2015-16 तक 2954 कार्य, 2016-17 में शुरू किए गए 543 कार्य, 2017-18 में शुरू किए गए समस्त 405 कार्य व 2018-19 में शुरू किए गए समस्त 488 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत चलाए जा रहे पुराने कार्य जो कि 2017-18 तथा 2018-19 में शुरू किए गए हों, ऐसे कार्य को प्राथमिकता पर पूरा करते हुए विकासखंड धर्मशाला ने समस्त उत्तर भारत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो हमारी कोशिश है कि जो पंचायतों में काम चल रहा है, पंचायत समितियों का काम है या जिला परिषद का काम है, उस सुचारू रूप से चले, ढंग से चले, कुछ नए काम हो, नए आयाम जुड़ें। ऐसे में जब हमारी कोई एक पंचायत समिति एक उदाहरण प्रस्तुत करती है, चाहे वो रिन्यूएबल सोर्स को लेकर हो, जैसे सोलर प्लांट्स लगाने को लेकर बात हो, या किसी भी ऑफिस को सोलर पावर युक्त करने की बात हो, ऐसे में धर्मशाला ने लीड लिया। और धर्मशाला ने बहुत सारे ऐसे और भी कार्य किए हैं, जैसे टूरिज्म के क्षेत्र में कई क्षेत्र में अच्छा काम किया, और इसी वजह से इस तरह का पंचायत समिति धर्मशाला को मिला है। और पंचायत समिति धर्मशाला को मेरी तरफ से पूरी मुबारकबाद है, कंग्रेचुलेशन है। और हमारे भविष्य में ही ये कोशिश रहेगी, इनफैक्ट आज जो मीटिंग हो रही थी इसमें हमारी ये कोशिश है कि आने वाले समय में कुछ हम ऐसे अनोखे काम करें, कुछ अच्छे काम करें और कम्युनिटी पर्पज से काम करें जो नए आयाम लिख सकें, और न सिर्फ हिमाचल में बल्कि पूरे भारतवर्ष में कांगड़ा की जो पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद पंचायतें हैं, वो नाम कमाएं, ऐसी हमारी कोशिश है। और इसी प्रकार की इंस्ट्रक्शन आज हम ब्लॉक्स को दिया है। वही विकासखंड द्वारा 2019-20 में शुरू किए गए 370 कार्य को भी जल्द ही पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। मनरेगा में पंचायतों का समग्र विकास हो, मनरेगा कामगारों को सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार समय पर मजदूरी का भुगतान हो तथा मनरेगा कंजर्वेशन के द्वारा विभिन्न कार्य किए जाएं, यही ध्येय लेकर विकासखंड धर्मशाला अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। वीडियो धर्मशाला अभिनीत कात्यायन ने कहा कि वर्ष 2018-19 तक सभी मनरेगा कार्य पूरा करने में धर्मशाला ब्लॉक उत्तर भारत में एकमात्र ब्लॉक बना है जो कि ब्लॉक के लिए गर्व का विषय है। इसके अलावा वर्ष 2019-20 में शुरू किए गए 370 कार्यों को भी ब्लॉक द्वारा जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, मनरेगा जो है हमारी एक प्रायोरिटी स्कीम है, इस पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो लोगों को मनरेगा के अंतर्गत दिए जाएं। और भारत सरकार की एक प्राथमिकता मनरेगा के अंतर्गत ये रहती है कि जितने भी कार्य शुरू किए गए हैं पिछले वर्षों में उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो 2017-18 तक तो हम पिछले साल ही सारे काम जो थे वो अपने कंप्लीट कर चुके थे। 2018-19 के जो कार्य हैं उनको भी हमने प्राथमिकता के तौर पर पूर्ण करने का जो है वो एक जिम्मा उठाया था, और लगभग 488 के आसपास काम थे जो हमने 2018-19 में शुरू किए थे और उन्हें हमने पूरा कर दिया है। और ऐसा करने वाला हिमाचल, ना केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि पूरे उत्तर भारत में धर्मशाला जो है वो पहला ब्लॉक बना है जिसने अपने 2018-19 तक के मनरेगा के सारे कार्य जो हैं वो पूर्ण कर लिए हैं।